में अपने आईक्यू बढ़ाने में, अपनी स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति इम्प्रूव करने में, और अपने स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और अन्य किसी भी प्रकार की सुदृढ़ इच्छा के लिए विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस विद्या का नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये विद्या किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति इत्यादि से संबंधित नहीं है और ये मानव मात्र के कल्याण की विद्या है। और जिसको ये ठीक लगे, जिसको अनुकूल लगे, वो इसको एक्सेप्ट करे, इसका प्रयोग करे। जिसको खराब लगे वो यहीं पे छोड़, ठीक है। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, तर्क का विषय नहीं, नो आर्ग्यूमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंटल विद्या है, इसका जो खाएगा उसी का पेट भरेगा वाला हिसाब था, ठीक है। तो जो मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए खा नहीं सकते तो मेरा पेट तो भरेगा नहीं। तो इसको अपने लिए ही यूज़ करना पड़ता है और ये समझ लो कि एक विज्ञान, इसको परम विज्ञान भी कहते हैं। तो इस विद्या का नाम है P3Y। किसने सुना है पहले P3Y के बारे में? किसने भी नहीं, ठीक है। तो P3Y शॉर्ट फॉर्म है P, P, P और Y, तीन बार P, एक बार Y, उसको शॉर्ट में P3Y का नाम दिया है। तो क्या है P3Y? P3Y का पहला P जो है वो है परमजी। परमजी ऐसा समझ लो, ये परमजी का चित्र है। ये समझ लो कि परमजी ये कोई बाबा जी नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ लो कि एक पावर हाउस है, ठीक है। उस पावर हाउस से आपने पावर खींचनी है और अपने काम बनाने हैं, ठीक है। तो वो पावर हाउस से पावर खींचनी कैसे है, उस खींचने का जो टेक्निक है उसका नाम है दूसरा पी जो मैंने बोला पप्र। दूसरा पी है पप्र। पप्र में है 11 लाइंस। उन 11 लाइंस को बोल के आप अपनी कोई भी सुख इच्छा मांग सकते हैं। उनमें जो पहली 8 लाइंस होती हैं वो एक संपर्क सूत्र है परम जी की, जो शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो पराशक्ति विद्यमान है ब्रह्मांड में, उस पावर को अट्रैक्ट करने का, एक्टिवेट करने का एक फॉर्मूला है जो पहली 8 लाइनें बोल के वो पराशक्ति एक्टिवेट होती है। और उन 8 लाइनों को जैसे मैं आपको बताऊं वैसे ही बोलना है। आपके यहाँ पे मैं कुछ कार्ड भी देके जाऊँगा, सबको देके जाऊँगा। तो आप अगर कार्ड आपने लेने हैं तो उनसे आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें ये 11 लाइन लिखी हुई है और हमारा संपर्क भी लिखा हुआ है। तो वो 8 लाइनें जो हैं वो समझ लो कि एक टेलीफोन नंबर है, वो डायल कर, जब आप वो नंबर डायल करते हैं तो वो शक्ति एक्टिवेट होती है और बाकी की जो लाइनें हैं उसमें आप अपने हिसाब से बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मेरे साथ, जब मैं बोलूँगा आपको तो मेरे साथ आप बोलिए। तो इसमें उच्चारण का भी आपने सही ध्यान रखना है, जो मैं बोलूँ वैसे ही बोलूँ, ठीक है। तो पप्र का मैं पहले आपसे बुलवा लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे आपने लाभ ले सकते हैं। तो पप्र की जो 11 लाइन्स है वो है परमम शरणम गच्छामि। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ परमम शरणम गच्छामि, आप बोलोगे परणम शरणम गच्छामि तो वो नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। वो टेलीफोन नंबर कहीं और मिल जाएगा या तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर उपलब्ध नहीं है करके आवाज़ आएगी, ठीक है। तो आपने जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है, शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैं बोलूँ वैसे बोलना है। परमम शरणम गच्छामि, अंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मेरा मन शांत रहे, मैं जो कुछ भी पढ़ूं मुझे समझ में आए, याद रहे उसे मैं भूलूं ना। इच्छा पूर्ण होते ही वकर में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही वकर में 1 नए व्यक्ति को यथासंभव P3Y सिखाऊंगा। ये 11 लाइन्स हैं, इनमें से परमम शरणम गच्छामि से लेकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ की जो 8 लाइन्स हैं उसका आपने कोई भी अनुवाद नहीं करना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है।
ये पूरे विश्व में ऐसे की ऐसी ही बोली जाती है, एक फॉर्मूला है शक्ति को एक्टिवेट करने का। तो मैं यहाँ पे ही नहीं सिखाता हूँ, मैं विदेशों में भी सिखाता हूँ। मैं सिंगापुर में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर भी लोगों को सिखाता हूँ। यूके में, यूएस में भी लोग इंटरनेट से सीखते हैं, तो उनके लिए भी ये वर्डिंग जो है सेम ही रहती है। उसके बाद जो नवा वाक्य है जिसमें आपसे मैंने बुलवाया कि आज मेरा मन शांत रहे, मैं जो कुछ पढ़ूँ समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं इच्छा वाक्य। इस वाक्य में आप अपनी कोई भी सुखद इच्छा परम जी से इस विद्या से मांग सकते हैं। अच्छा, इच्छाएं आपकी कई प्रकार की हो सकती हैं। P3Y में सब प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं, सिर्फ तीन प्रकार की इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो परम जी ने खुद, जिन्होंने ये टेक्निक बनाई है उन्होंने पहले से ही उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक, किसी दूसरे का बुरा चाहने की इच्छा, अपना बुरा चाहने की इच्छा। कई बार अपने मन में भी गलत ख्याल आते हैं कि मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया हूँ, मैं मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ, या मेरा है ना कुछ भी हो सकता है। मेंटल इम्बैलेंस जब होता है तो आदमी कुछ भी सोचता है। तो दूसरे का बुरा चाहने की इच्छा, अपना बुरा चाहने की इच्छा, या P3Y का बुरा चाहने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छाएँ पूरी नहीं होती। और आलसियों की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। जो मेहनत करेगा, क्योंकि ये विद्या है, ये एक विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल विद्या है। इसमें चमत्कार नहीं है कि भाई आप पढ़ोगे नहीं और बोलोगे कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ क्लास में, मैं डॉक्टर बन जाऊँ कल को, मैं एग्जाम तो दूंगा नहीं, तो ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। ठीक है, पंख नहीं लग जाएंगे, आप उड़ने नहीं लग जाओगे रात में। ठीक है, आपको जो भी आपने बनना है अपने लाइफ में, जो गोल अचीव करना है, वो सारा अचीव होगा इससे, बट स्टेप बाई स्टेप। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, P3Y के हिसाब से जो मैं टेक्निक्स बताऊँगा वो यूज़ करनी पड़ेगी, और आपका जो अनुभव है वही आपके लिए प्रमाण होगा, वही आपका रिकॉर्ड है। तो मैं अगर कुछ भी बोलूँ कि ये ऐसा होता है, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई श्रद्धा विश्वास वाला मामला नहीं है यहाँ पे, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट है। तो आप खुद प्रयोग करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इस विद्या, ये विद्या काम करती है या नहीं करती है। मेरे लिए मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं जब छोटा सा था, फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में था, तब से मैं इस विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, और मैंने इस विद्या से अपनी हजारों इच्छाएं पूर्ण की हैं। मैंने अपने पढ़ाई के क्षेत्र में किया है, बीमारी के क्षेत्र में लाभ लिया है, मैंने अपनी जॉब के क्षेत्र में लाभ लिया है, सब चीज़ों में लाभ लेके देख चुका हूँ, और डेली बेसिस पे इस विद्या का प्रयोग करता हूँ। तभी मैं आज आपके बीच यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इस विद्या को आपको जानकारी देने के लिए कि आप भी इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो नवा वाक्य जो है आपका इच्छा वाक्य है, इसमें आप अपनी कोई भी सुखद इच्छा मांग सकते हैं। मान लो कि सुखद इच्छा भी मांग सकते हैं, सुरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं, बीमारी के लिए भी मांग सकते हैं। मान लो किसी को अभी सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, छोटी मोटी कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए रिलीफ के लिए भी आप अभी ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे भी मांग सकते हैं, और उसमें पत्र जल भी बनता है, तो उसके बनाने का तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। तो इसमें सुरक्षा के लिए आप जैसे घर से आते हो, एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, या लड़कियाँ अकेली जाती हैं, ठीक है, कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं रास्ते में, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो आप इस विद्या का प्रयोग करके सुरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं, तो वो भी सुरक्षित भी रहते हैं। मैं कई बार, मेरी एक्सीडेंट से सुरक्षा हुई है, आग जनी फायर से सुरक्षा हुई है, कई मुसीबतों से मैं बाहर निकला। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। विश्व भर में और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो सबका ये विद्या काम करती है। नवा वाक्य हो गया इच्छा वाक्य। अब इच्छा, अगर आप ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब भी आपको कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, ठीक है, तो परम जी ने बोला कि बहुत सिंपल है, मेरी विद्या है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको अगर इस विद्या से लाभ लेना है तो कुछ ना कुछ आपको अर्पण करना पड़ेगा। अर्पण क्या करना है? पैसा और टाइम। तो पैसा कैसे अर्पण करना है, किसको अर्पण करना है? तो दसवें वाक्य में आपने बोला कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक रुपया परम जी को दूंगा। ठीक है, अब पकड़ क्या हुआ? पकड़ है, समझ लो कि एक तरह का टैक्स है, कि परम जी ने अपनी विद्या पर टैक्स लगाया है कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे ये काम बनाने के लिए। कितने पैसे, वो आप डिसाइड करो। आपका जिस लेवल की इच्छा है, छोटा काम है कम पैसे बोलो, बड़ा काम है ज़्यादा पैसे बोलो, ठीक है, पर कुछ ना कुछ आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, एक रुपया, दस रुपया, सौ रुपया, या आपको बेनिफिट लेना है। मान लो आपका व्यापार है, आपको उसमें एक लाख रुपये का बेनिफिट चाहिए, तो आप परसेंटेज बोल दो कि 1% जो बढ़ी हुई मेरी आय है उसका 1% मैं परम जी को दूंगा। ठीक है, आप डिसाइड करोगे जहाँ पे आपका कंफर्ट है। तो इसमें आपने देना कि कब है, तो इस विद्या में नोट करने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी
किसी भी प्रकार की कष्ट नष्ट ठगैती संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस विद्या का प्रयोग किसी भी हालत में कहीं पर भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतने किलोमीटर जाने के बाद एक स्थान आएगा जहाँ पे बैठ के मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। नष्ट इसमें कुछ नहीं है क्योंकि आपका समय नष्ट नहीं हो रहा, जब आपको जरूरत पड़े किसी भी परिस्थिति में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई कहीं आप कहीं चढ़ा नहीं रहे, कुछ आप वेस्ट नहीं कर रहे, पानी नहीं डाल रहे, दूध नहीं डाल रहे, ठीक है, कुछ वेस्टेज नहीं है। और ठगैती संभव नहीं है इसलिए क्योंकि जो आपने 10वां वाक्य और 11वां वाक्य बोला वो आपने पहली लाइन में ही ये बोला कि इच्छा पूर्ण होते ही, मतलब जब आपका काम बन जाए। जब आपका अगर आपका काम नहीं बने तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका काम बनता है तो आपको पता है कि मेरा काम बना है, तो उसके बाद आपने जो बोला हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। देना कहाँ पे है? मुझे नहीं देना है, मैं पैसे मांगने नहीं आया, मेरा काम है सिखाना, ठीक है। तो आपने वो पैसा जितना भी आपने बोला हुआ है, 1 रुपया 10 रुपया, जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, आप एक अलग से कोई डब्बा ले लो, कोई गुल्लक बना लो, उसमें डालते रहो या कॉपी में नोट करते रहो। जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, बहुत काम आपके बन जाए, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन आपने P3Y के प्रचार में ही करना है। कैसे करना है इसके लिए गाइडेंस आप ले सकते हो हमें अप्रोच करके। तो हम पैसा देने नहीं, ठीक है, हमें पैसा नहीं देना, कोई मनी ऑर्डर नहीं करना, हमें कोई चेक नहीं राइट करने हमारे नाम पे, कुछ नहीं। आपका पैसा P3Y का प्रचार का पैसा है, वो प्रचार में ही लगेगा, आप खुद उसको लगा सकते हो। और जो 11वां वाक्य है कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा, वो कैसे सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा, जब आपका काम बन जाए। और कैसे सिखाऊंगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को, किसी को भी जरूरत है उसको बता सकते हो कि ये एक ऐसी विद्या है इससे आप लाभ होता है, आप भी लाभ ले सकते हो। अगर आपको लगता है आप नहीं सिखा पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, तो कोई बात नहीं, आप P3Y टीचर्स का कॉन्टैक्ट इसमें भी लिखा हुआ कार्ड में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने घर में क्लास लगा सकते हो, कहीं पर भी बुला सकते हो उनको, जैसे 10-11 लोग हैं तो वहाँ पर बुला के वो सिखा के जाएंगे, उसमें भी आपका प्रचार हो रहा है, ठीक है। और आप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पे भी आप प्रचार कर सकते हैं, यूट्यूब पे, मेरा पर्सनल यूट्यूब पे चैनल है, आप अगर मोबाइल तो सबके पास ही है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे P3Y अजय कौशिक, तो उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें मैंने ये टेक्निक अलग अलग पार्ट्स में सिखाई है, और जो कुछ क्लासेस के भी वीडियोज़ हैं जहाँ पर हमने क्लासेज वगैरह लगाई हुई हैं। और मेरी वेबसाइट है paramjeetpatnaparamyog.com, उसमें FAQ सेक्शन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 100 के करीब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। तो आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं, देखिए डाउट्स तो सभी के मन में होते हैं ना, आप अभी पूछोगे नहीं मुझसे, मुझे पता है, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं, एक तो आपको पहली बात इतना समझ में नहीं आएगा, दूसरा आपको लगेगा कि पता नहीं मैं ठीक पूछ रहा हूँ कि गलत पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस वेबसाइट पर जाके वो FAQ सेक्शन गो थ्रू कर सकते हैं, और मोस्टली आपको आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिले फिर भी आपको कोई शंका है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो 11 वाक्य हो गए, ये है पकड़। अब इसमें आप कुछ भी अपनी पढ़ाई से लेके, अपने स्वास्थ्य से लेके, अपनी बीमारी, सुरक्षा इत्यादि, कुछ भी सुख दिच्छा, जो भी आपको काम बनाना है वो 11 लाइनों में ही आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पी, परम और वाई, योग। तो परम योग क्यों किया जाता है, परम योग का क्या फायदा है? परम योग का फायदा ये है कि इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका IQ बढ़ता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपका जो टेंशन है वो दूर होती है, मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ परम योग से आते हैं। और इसके अलावा अगर कोई अध्यात्म में इंटरेस्ट, रुचि रखने वाला है, तो उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं, तो ये सारा परम योग से होता है। परम योग की दो सिंपल क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा, तो दो सिंपल क्रियाएं, एक है परम श्वास और दूसरा परम नाद। तो परम श्वास और परम नाद कैसे करना है, इसको 3 बार नॉर्मली किया जाता है, यूजुअली 3 बार दिन के, एक बार जब सुबह आप सो के उठते हैं तो बिस्तर पे बैठ के आप कर सकते हैं, और दूसरा जब आप कॉलेज के लिए आते हैं या घर के किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो दूसरा दरवाजे से खड़े होकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं, और तीसरा रात को सोने से ठीक पहले, बस उसके बाद फिर सो जाते हैं। 3 टाइम एक क्रिया करनी है और बहुत सिंपल क्रिया है, इसमें कुछ धूपबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है आपने,
ऐसे बैठना है, बिस्तर पे बैठना है, जैसे या तो जैसे नीचे बैठते हैं खाना खाने के टाइम बैठते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं चौपड़ी लगा के बैठते हैं, वैसे बैठ सकते हैं या कुर्सी पे बैठ सकते हैं। उसमें मेनली आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर। तो परम जी का ये चित्र है, इसके ऊपर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान लगा के, इसमें आपने देखना सामने है, परम जी की ओर ध्यान रखना है। अगले दांत सटे हुए रोटी काटने की स्थिति में, जैसे रोटी काटते हैं तो अगले दांत सटाने आते हैं, तो सटे दांत थोड़े थोड़े से खुले रखने हैं। सटे दांत खुले होने से आपने मुंह से सांस लेनी है और उतनी ही सांस लेनी है जितनी आपके फेफड़ों में क्षमता है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। जितना आराम से सांस लेना है उतना लेना है और उसको नाक से धीरे धीरे छोड़ना है, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिंपल तरीके में नॉर्मली सांस लेना है, नॉर्मली सांस छोड़ना है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, फिर आप तीन बार मेरे साथ करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल ही है, कैसे ऐसे हाथ रखने, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख के, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, ध्यान यहाँ पे, और सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से बाहर छोड़ना है। एक बार मैं पहले करके बता रहा हूँ, तो आप तीन बार करेंगे। जब मैं ऐसे करूंगा तो आपने सांस अंदर लेना है, जब मैं ऐसे करूंगा तो आपने सांस बाहर छोड़ना है, सांस लेना है मुंह से, ठीक है। तीन बार कर लेंगे, आपको आवाज तो आ रही है, ठीक है। अभी तीन बार करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी के चित्र की ओर, दांत अंदर सटे हुए और थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले और से मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, तीन बार स्टार्ट। इसमें टाइम लगा नहीं, आसान भी है, की जा सकती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपसे सिर्फ थोड़े टाइम की अटेंशन मांग रहा हूं, और तो कुछ नहीं मांग रहा है ना। तो आपका फर्ज बनता है कि कोई अगर आपको कुछ सिखाने के लिए आया है तो उसकी थोड़ी सी बात सुन ली जाए, और आपके जीवन में अगर आपको लगता है उचित लगता है तो उसका प्रयोग करके देखें। देखो आपके फायदे की चीज़ है ना, आप करोगे आपको फायदा होगा, आप ही बोलोगे कि हाँ जी हमने अच्छी चीज़ सीखी। तो थोड़ी देर के लिए कृपया बातचीत बंद करके इस क्रिया को अनुभव करिए, और आप क्या पता ये क्रिया आपको मेरे फ्यूचर में क्या बेनिफिट देते हैं, है ना। तो अभी मैं दूसरी क्रिया जो है परम नाथ की वो आपको सिखाता हूँ। उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी, पीछे आप ध्यान देंगे भैया, पीछे थोड़े इधर आ जाओ, आप मुझे देख नहीं रहे, आपको भी मैं दिख नहीं रहा हूँ ना, कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो P3Y की जो परम नाथ की क्रिया है वो भी सेम ही होती है, उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, सिर्फ दो डिफरेंस है, इसमें आंखें बंद होंगी और जब आप नाक से सांस छोड़ेंगे तो की ध्वनि करके छोड़ेंगे, जैसे भंवरे का गुंजन होता है, मधुमक्खी की आवाज होती है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बार करके बताता हूँ आपको, देखो ऐसा है, आप हंस लो, हंसना बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो साइंटिफिक इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम दिन में वो अस्त व्यस्त रहते हैं, ठीक है। जब आप ये क्रिया करते हैं तो उनकी पूरी अलाइनमेंट हो जाती है, तो आपका फोकस बढ़ता है, आपकी जो भी चीज़ आप ग्रास्प करते हो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, कोई भी चीज़ आप करते हो ध्यान से करते हो। तो अभी आप तीन बार करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि कुछ आपको लगा कि आपने कुछ किया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार लग के बताता हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए और थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले और से मुँह से सांस लेना है, नाक से नाक करते हुए दांत छोड़ना है।
बार मेरे साथ बात कीजिए, ठीक है, जस्ट एक्सपीरियंस, ओके। अगर किसी को नहीं पसंद आएगी तो कोई जरूरत तो है नहीं, है ना, वो जा सकता है बाहर, बस आप तीन बार करके देखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले और से मुंह से लेंगे सांस और नाक से नाक करते हुए छोड़ेंगे, तीन बार स्टार्ट। सिंपल ये क्रिया है, तीन बार आप कर सकते हैं इसको। परम श्वास की क्रिया है, उसको आप तीन बार के अलावा कभी भी जब आपका मन अशांत हो तब एक से लेकर दस बार तक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं होती है तो किसी दूसरे वाले को डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। ना जब भी आपका मन अशांत हो, जब कुछ समझ में ना आए, कुछ माइंड ठीक से फंक्शन ना करे, निर्णय ना ले पाए, तो उस टाइम आप कर सकते हो। तो मैं भी रेगुलरली ऑफिस में कई मौके ऐसे आते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता है, निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना चाहिए, तो हमने तीन बार लंबी सांस ली, इस क्रिया का प्रयोग किया और उसके बाद मन शांत हो जाता है और डिसीजन अच्छी तरह से, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये है P3Y परमजी परम। अब इसको IQ के लिए, आप अपने IQ बढ़ाने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या आपने मांगना है एग्जैक्टली, वो आपको पूजा बताएगी।